हेलो स्टूडेंट, आज हम विज्ञान डीले फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में पौधों में प्रजनन व उनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं प्रजनन की। तो प्रजनन क्या है? प्रजनन जो है पैतृक से नए जीवों की उत्पत्ति प्रजनन के नाम से जानी जाती है। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अपने ही जैसे संतान या अपने ही जैसे पौधे उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो प्रजनन कहलाती है या प्रजनन के नाम से जानी जाती है। जो जंतु होते हैं वो अपने ही जैसे संतान पैदा करते हैं, जो पौधे होते हैं वो अपने जैसे पौधे उत्पन्न करते हैं, तो इसको हम लोग प्रजनन कहते हैं। ये जो है दो प्रकार का होता है प्रजनन, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जो होता है ये कई विधियों का में जो है संपन्न होता है। इस प्रकार के प्रजनन में केवल एक जनक कोशिका आवश्यक होती है। ये कई विधियों में पूरा होता है, संपन्न होती है। पहला है आपका संयुग्मन। तो संयुग्मन क्या है कि सभी एक जो कोशिकीय जीवों में जब कोशिका पूरी तरह परिपक्व हो जाती है तो यह दो भागों में विभाजित हो जाती है, इसे हम संयुग्मन कहते हैं, और उसमें दो कोशिकाएं बनती हैं, तो यह जो है दोहरा संयुग्मन हो जाता है। जैसे कि आपका अमीबा, यह आपका अमीबा है। इसमें आपका जो है कोशिका जब पूरी तरह परिपक्व हो गई तो वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, और जो कोशिकाएं होती हैं वो भी दो बनती हैं। तो इनमें जो होता है अमीबा में वो दोहरा संयुग्मन होता है। नेक्स्ट आपका मुकुलन। मुकुलन क्या है कि पौधों के शरीर में कंद के समान जो है वो रचना का निर्माण होता है, जो कली या मुकुल कहलाती है। ये आपका जैसे जो है हाइड्रा का पौधा है, उसमें ये देखिए कंद के समान एक रचना निकली हुई है जिसे जो है वो मुकुल या कली के नाम से हम जानते हैं। जब इसमें केंद्रक विभाजित होता है तो एक केंद्रक कलिका या मुकुल में चला जाता है, तब मुकुल इससे पृथक हो जाती है और एक और आकार में वृद्धि करके एक नए पौधे को जन्म देती है, जैसे कि हाइड्रा में मुकुलन। और आपका ईस्ट में भी होता है ये, जैसे आपका मुकुल के समान एक रचना आई, ये क्या होती है इसमें जब केंद्रक आता तो ये पृथक हो जाती है। यह आपका एक जो है करी है जो पृथक हो गई और जाके एक नए जो है पौधे का वृद्धि करके नए पौधे का निर्माण करती है। नेक्स्ट आपका विखंडन। विखंडन क्या है कि जब परिपक्व होने पर जो जीव होता है वो दो या अधिक टुकड़ों में, जो परिपक्व हो जाता है जीव तो दो या अधिक टुकड़ों में जो है वो टूट जाता है, और ये टुकड़े जो होते हैं वो वृद्धि करके एक नए जीव बनाते हैं, जैसे कि फ्लैट फॉर्म में विखंडन। नेक्स्ट आपका बीज निर्माण। इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो बीजाणु के रूप में होते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी यह सुषुप्तावस्था में होते हैं, यानी कि सोए हुए होते हैं, और उनके जब अनुकूल वातावरण आता है तो वह जो बीज होते हैं वो वृद्धि करके जो है एक जो है वृद्धि कर लेते हैं और एक जो है नए जीव का जो है वो निर्माण करते हैं। जैसे आपकी काई हो गई, फफूंदी हो गई, ये हो गया आपका अलैंगिक प्रजनन जो कि इन चार विधियों द्वारा पूर्ण होता है। अब नेक्स्ट है आपका लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन तो इसमें जो है इसमें नर तथा मादा युग्मक पाए जाते हैं, जिन्हें हम उभयलिंगी के नाम से जानते हैं। उभयलिंगी के नाम से जाना जाता है। अब एक शब्द आया है उभयलिंगी। उभयलिंगी क्या है? तो उभयलिंगी जो है इसमें आपका जो शब्द आया, तो उभयलिंगी क्या है कि अधिकांश फसलों जैसे गेहूं, धान, सरसों, तेल, अलसी आदि के प्रत्येक पुष्प में स्त्री केसर या पुंकेसर दोनों ही उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्पों को हम उभयलिंगी कहते हैं।
अधिकांश फसलों जैसे गेहूं, धान, सरसों, तिल, अलसी आदि जो है, आदि के प्रत्येक पुष्प में स्त्री केसर व पुंग केसर, स्त्री केसर व पुंग के या पुष्प पुंग केसर दोनों ही उपस्थित होते हैं। ऐसे पुष्पों को हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। ऐसे पुष्पों को उभयलिंगी कहते हैं। अब आ जाती है जो है वो लिंग प्रजनन की। तो इसमें बात आती है पौधों में लैंगिक प्रजनन, पौधों में लैंगिक प्रजनन। तो पौधों में लैंगिक प्रजनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन अंग पुमंग तथा पुमंग यानी पुंकेसर यानी ये आपका मेल पार्ट तथा जायांग होते हैं। पुमंग तथा जायांग होते हैं। ये जो अंग होते हैं वो पुष्प में स्थित है। ये आपका है पौधे का मेल पार्ट, ये जायांग आपका है फीमेल पार्ट, यानी कि पुंकेसर, और ये आपके इसमें होंगे स्त्री केसर। ठीक, इसमें आप देखिए इस प्रकार से
आपका है पौधों में जो है वो लैंगिक जनन। इसमें पहला आता है आपका जो है बाह्यदलपुंज, ये आपका है प्रादलपुंज, ये जो आपका भाग दिख रहा है ये है बाह्यदलपुंज। ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र जो होता है वो बाह्यदलपुंज कहलाता है। ये प्रायः जो होता है वो हरे रंग का होता है। इसमें एक भाग को ब्रादल या ब्रादल पत्र कहते हैं। प्रत्येक जो पराग कोश के पराग पुटों में असंख्य सूक्ष्म संख्याएं मतलब संरचनाएं होती हैं, सूक्ष्म जो है संरचनाएं होती हैं जिन्हें परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आपका ये जो है जायांग। तो पुष्प के केंद्र में स्थित, ये आपका दिख रहा है केंद्र, पुष्प के केंद्र में स्थित पुष्प का ये चौथा चक्र होता है। ये पुष्प के मादा जो है वो जननांग है, ये आपका है मादा जननांग। मादा जननांग है। प्रत्येक जननांग एक या अनेक अंडकों का बना होता है। प्रत्येक अंडक में तीन भाग होते हैं आपके, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये हो गया आपका जायांग। अब इसमें बात आती है पुमंग की। तो पुमंग क्या है? ये पुष्प का जो है वो तीसरा जो चक्र होता है और पुंकेसरों का बना होता है। इसमें क्या पुंकेसर होते हैं, इसमें जो होते हैं वो स्त्री केसर होते हैं। ये पुंकेसरों का बना होता है। ये पुष्प के नर जननांग है, नर जननांग। ये पुष्प के आपके नर जननांग है। प्रत्येक पुंकेसर के तीन भाग होते हैं, इनके जो पुंकेसर के तीन भाग होते हैं, प्रत्येक पुंकेसर के तीन भाग होते हैं, तीन भाग कौन कौन से हैं आपके? तीन भाग जो है वो तंतु, कुतंतु और परागकोश। तंतु, कुतंतु और पराग कोश। तंतु क्या है? ये जो आपकी क्या कहते हैं, जो पराग कोश का कुतंतु से जोड़े रहती है, जो आपके ये पराग कोश है और जो ये कुतंतु है, जो पराग कोश और कुतंतु को जो है वो पराग कोश और कुतंतु को जोड़े रहती है वो होता है आपका, सॉरी ये आपका हो जाएगा तंतु नहीं है, ये आपका हो जाएगा योजी। योजी क्या होता है? परागकोश और जो आपका है कुतंतु से जोड़ती है, परागकोश कुतंतु से जोड़ती है। परागकोश जो है वो कुतंतु से जोड़ती है या जोड़े रहती है, ये आपकी योजी होती है। ये कुतंतु क्या है? जो एक डंठल जैसी रचना है, जो एक डंठल जैसी, डंठल जैसी रचना है, ये आपकी दिख रही है पुतंतु, ये आपकी डंठल जैसी जो है वो रचना है। परागकोश क्या है? जो पुतंतु के ऊपर एक फूली हुई संरचना होती है, जो पुतंतु के ऊपर फूली हुई रचना होती है, फूली हुई रचना होती है, जो पुतंतु के ऊपर, ये देखिए आपका पुतंतु, ये पुतंतु है, इसके ऊपर एक फूली हुई रचना होती है वो होता है आपका जो है वो पराग कोश। तो पुंकेसर के तीन भाग थे आपके, योजी, पुतंतु, पराग कोश। ये हो गया आपके पौधों में जो है वो लैंगिक जो है वो प्रजनन। और इसमें एक और बचा है दलपुंज, यानी कि जिसको ये पौधे का रंगीन भाग होता है जिससे कि मनुष्य, तितलियां और जो भंवरे होते हैं वो आकर्षित होते हैं। यानी कि ये बाह्यदल पुंज के अंदर, ये जो आपके बाह्यदल पुंज है इसके अंदर स्थित पुष्प का ये जो है दूसरा चक्र होता है,
ये चार या छह अथवा अनेक पेटल्स यानी कि दलों का बना होता है और ये रंगीन या श्वेत होते हैं और मुख्य कार्य मैंने आपको बताया है कि परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। ये जो आपका था पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार, ये जो टॉपिक है वो आपका यहीं से समाप्त होता है।